घर आ गया हूँ, तो अभी मैं हूँ बेसमेंट में। तो बेसमेंट से मैं जाऊँगा घर। तो ऑफिस टाइम में ये रहता है, ट्रैफिक बहुत रहता है। आइडियली जो रास्ता जो है ऑफिस से लेके घर का, वो अगर नॉर्मल ट्रैफिक भी रहे, मतलब स्मूथली गाड़ी चल रही है, कोई ज़्यादा जाम वैम नहीं है, तो 20-25 मिनट का है। लेकिन शाम में पहुँचते पहुँचते लग जाता है 1 घंटा। वो भी देखिए कितना ट्रैफिक रहता होगा। ये कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, जगह जगह पे अंडरपास बन रहे हैं, फाइबर बन रहा है, तो उसकी वजह से ट्रैफिक जाम रहता है। लेकिन ये कि जिस दिन ये सब चीज़ें बन जाएंगी, तो उस दिन हमें ये सहूलियत होगी। तो आप भी बताइए, आपको ट्रैफिक जाम मिलता है या नहीं मिलता है, या फिर आपके शहर का ट्रैफिक कैसा है, स्मूथ है या फिर जाम ही लगा रहता है, तो बताइएगा। बाकी गांव में तो ट्रैफिक मैंने इतना नहीं देखा, बाकी आप क्या पता सिचुएशन बदल गई हो। वेट करा जाए साक्षी जी का, कब वो गेट खोलेंगे। तो फाइनली 10 मिनट बाद दरवाज़ा खुल चुका है। तो 1 घंटे के ट्रैफिक में आप 10 मिनट गेट के भी लगा लीजिए, 1 घंटा 10 मिनट में घर पहुंच गए। यहाँ हो रही है शाम, और शाम में बनाई है मैंने मैगी। यस, अब मैगी बनाई है इनके लिए भी और अपने लिए भी, दिखा रही हूँ। प्लेन मैगी है, विदाउट चीज़, विदाउट वेजिटेबल्स। प्लेन मैगी खाने का मेरा मन था। कैसी बनी है मैगी? अच्छी है। चलो मैगी खाया जाए और इनसे फिर चाय बनवाई जाए। आज मैगी, ओहो कह रहे मैगी मैंने बनाई है। पैकेट से इन्होंने सिर्फ पानी में डाला है मैगी को और मसाला डाला है और उसे गैस पे चढ़ाया है। तो जितने भी लोग हैं जरा मुझे बताइए मैगी में और करना क्या होता है। उसे पकाना होता है, उसके बाद फिर उसे प्लेट में डालना होता है, लाना होता है, वो सब मैंने किया है। और चाय बनवाई जाएगी इनसे। अब चाय बनाओ, मैं मैगी बना चुकी। कह रहे हैं ये क्या कह रहे हो? मेरे साथ भूखा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है। चाय भी बन चुकी है। तो आप ये देखिए कि साक्षी जी कितनी खुशकिस्मत है। मैं ऑफिस भी गया हूँ, ऑफिस भी गया, ऑफिस से आया, मैगी बनाई, चाय बनाई, मुझे खिलाया, मुझे पिलाया। तो करोगे नहीं आप? मैं भी तो लंच बनाती हूँ, ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। मेरा मन नहीं था अभी बनाने का। मैंने सांस दिखाया, उतनी देर में इन्होंने ये बना दिया, है ना? मतलब तो मिलके काम कर लिया हमने। आपने कौन से भगवान की पूजा करी थी जो आपको इतना? मैंने सारे भगवान की पूजा की थी, लेकिन उससे ज़्यादा मैंने थर्सडे का फास्ट रखा था और शिव जी की पूजा करती थी मैं। ओहो रहने दो, आप भी इतना जाप करके मैं आई हूँ यहाँ पे, मैं मिली आपको। बताओ कितना जाप करते थे आप? जाप तो ऐसे थोड़ी ना मैं मिलती। जाप करके ध्यान से मुझे मांगते थे, हाँ भगवान जी हरे कृष्णा करके फिर मुझे मांगते थे आप। बोलो मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं, एक ही इंसान तो है पूरी दुनिया में जो एकदम सत्य वचन बोलता, साक्षी झा। लेकिन अगर ऐसे नहीं है, थोड़ा सा दूर रखो, मैं थोड़ा टेढ़ा हो गई हूँ। आप बताओ ऐसे नहीं करते थे आप? जरा आप अपना फेस दिखाओ, दिखाइए, छुपा रहे हैं। तो मधुबनी के कनिया आज की बनेने छतिन, जरा बताओ। जैसे इनका एक और नाम कल मुझे सुनने में आया, बक्सी टोलक। आगे साक्षी बताएंगे क्या है। कुछ वो भी नहीं आगे, आगे कुछ भी नहीं है। नहीं आगे कुछ भी नहीं है। आप ही बता दो। साक्षी को गुस्सा आ गया। अब साक्षी बिल्कुल ही नहीं हंसेगी। साक्षी को हम हंसाएंगे। मैं मैगी खा लूं? नहीं खा सकती वह मैगी। बताओ क्या बनाया आज? मैगी खाने में क्या बनाया? आलू चने की सब्जी और चावल। तो साक्षी जी को अब आ चुका है गुस्सा।
साक्षी जी अब किसी से बात नहीं करेंगी, आपसे भी बात नहीं करेंगी, तो देखते हैं थोड़ी देर बाद कुछ नॉर्मल होती है। तो साक्षी आप अपने गुस्से को शांत करने के लिए चाय पी रही हैं, क्या चाय पीने से गुस्सा कम होगा? एक्सप्रेशन से तो लग रहा है कि नहीं होगा। जब जब साक्षी को गुस्सा आता है जुपिटर पे वॉल्केनो फटता है। साक्षी को इतना गुस्सा आता है कभी कभार कि दिल्ली में जो गर्मी पड़ रही है वो साक्षी के गुस्से से ही गर्मी पड़ रही है जितनी भी है। अगर आप चाहते हैं कि मौसम थोड़ा ठंडा हो तो साक्षी जी का गुस्सा शांत कीजिए। पर सभी को मालूम है मेरी वजह से आता है, ये पूछने वाली बात है। जितनी भी महिलाएं हैं उनको गुस्सा आता है अपने पतियों की वजह से, तो इसमें कोई मैं ये क्वेश्चन में पूछ के लोगों का टाइम भी नहीं बर्बाद करूँगा। तो आखिर आपको इतना गुस्सा आता है तो आप इतना एंगर मैनेजमेंट करती कैसे हैं? कुछ भी नहीं करती। तो आप कुछ भी नहीं करती हैं? अरे गदाई गदाई कनिया तो कुछ नहीं करे छे। किचन में इधर उधर बर्तन एक तो इधर से उधर पटक देती हूँ तो गुस्सा शांत हो जाता है। और जब मैं घर पे रहती थी तो अदरक कूटती थी ना किसी के भी ऊपर गुस्सा आता था तो वो अदरक का पीस मैं उस पर्सन को समझ लेती थी और अच्छे से उसकी चटनी बना लेती थी तो मेरा गुस्सा शांत हो जाता। तो घर में अदरक है या खत्म हो चुका है? तो आप किया तो आप जाइए थोड़ा टाइम किचन में रहिए, दो चार बर्तन ढंढवाइए। लेकिन आप ऐसा कुछ मत सही करना कि मुझे दोबारा गुस्सा ना आए, है ना? ऐसा हो ही नहीं सकता कि बीवी को गुस्सा ना आए। बीवी तो है ही गुस्से करने के लिए। बीवी अगर शांत बैठ जाएगी तो बीवी गाय नहीं कहलाएगी। बीवी गाय रहेगी क्यों? अरे बीवी को गाय क्यों रहना है? बीवी को क्या रहना है कुछ बताइए। कुछ नहीं, बीवी बीवी ठीक है, बीवी को गाय से कंपेयर मत करो। अरे आजकल गाय भी बहुत सींग मारती है, इसलिए जरूरी नहीं है कि तो जो गाय हो वो बहुत अच्छा है। एकदम इन्होंने एकदम कर दिया है, एकदम ट्रेंड करेगी वीडियो, लोग उस पर ट्रेंड करेंगे। मैं एक चीज़ बनाने वाली थी, एक वीडियो पर्सनली बनाती हूँ वुमेन के लिए। मैं ऐसे सोच रही थी कि ठीक है हम सब कुछ मैनेज कर लेते हैं और हमसे एक्सपेक्ट भी किया जाता है कि हम सब कुछ अच्छी तरीके से मैनेज कर ले, क्यों नहीं भी होता है तो वो भी ठीक है, ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ें मैनेज सही ढंग से ही कर लेना, है ना? तो इस पे बाकी वुमेन्स का इस पे क्या ख्याल है बताइए, क्या वो सब कुछ अच्छे से मैनेज कर पा रही हैं? जैसे एज एन एग्जांपल हम सुबह उठते हैं, ब्रेकफास्ट बना लिया, लंच भी बना लिया, ब्रेकफास्ट भी अलग बनाया, लंच भी अलग बनाया। मैं ये नहीं कह रही कि मत बनाओ, बनाओ, लेकिन कभी कभार नहीं भी बन रहा है तो वो भी फाइन है। जरूरी नहीं है कि हमें परफेक्ट ही दिखना है। तो बाकी समझने के लिए थोड़ा डीप जाना पड़ेगा। तो आप लोग डीप जाइए, जितने भी फीमेल्स देख रही हैं थोड़ा डीप जाइए। अगर आप टॉप फ्लोर पर हैं तो नहीं भी परफेक्ट है, इम्परफेक्ट है। अगर आप टॉप फ्लोर पर हैं तो आप ग्राउंड फ्लोर तक जाइए और सोचिए कि क्या बोला गया है, क्या आप सहमत हैं। जो भी वुमेन है ना वो समझेंगी मेरी बात। तो जितनी भी वुमेन है बात समझने की कोशिश करिए और कमेंट सेक्शन में सबको समझाइए और इस पर डिस्कशन कीजिए कमेंट सेक्शन में कि आखिर ये है सही या गलत। मैं इस पे एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगी, इस पे अलग से वीडियो बनाई जाएगी विस्तार में समझा और ये प्रपोजल लेके साक्षी खुद राष्ट्रपति भवन भी जाएंगी कि आखिर नाश्ता और खाना कभी नहीं भी बनाया जा सकता, इस पे बिल प्रारिट किया। वही तो आप समझे ही नहीं मैं क्या कहना चाहती हूँ। नाश्ता खाने की बात नहीं है, कोई और भी समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे भी समझाइएगा, और अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो वीडियो को दोबारा देखिए।
आखिर ऐसा हुआ क्या? आखिर एक आम शाम में जिसमें हम बैठे के चाय पी रहे थे, उसमें अचानक ऐसा क्या हुआ कि साक्षी को ये सब बोलना पड़ा? ये सब नहीं बोलना पड़ा, ऐसा क्या हुआ कि मुझे गुस्सा है? ऐसा क्या हुआ कि साक्षी को गुस्सा आ गया? एक नॉर्मल सी शाम थी जिसमें पति पत्नी चाय पी रहे थे, लेकिन अचानक से बीवी को गुस्सा आ जाता है और बीवी गुस्से में ज्ञान देने लगती है। खुद तो भड़की भी है ही और पूरी बाकी औरतों की भड़का रही है, तो जितने भी है लोग, अगर आप हस्बैंड हैं और आपने वीडियो पहले देख ली है तो तुरंत इस वीडियो को छुपा लीजिए। क्यूट होना कोई आसान बात नहीं है, लोगों की नजर लग जाती है। अब मुझे ही देख लो, कल से बीमार हूँ। अब हमने दही जमाना छोड़ दिया है, तो रखा हुआ है ये है। तो की बन रही थी, मैं आज बना रही हूँ आलू चने की सब्जी और चावल। मैं आलू चने की सब्जी बन रही है, इसमें चावल है और वो दूध है, वो दूध मैं बॉईल कर चुकी हूँ। ठीक है, तो आपको कैसी लगती है आलू चने की सब्जी? अच्छी है, अच्छी लगती है। अच्छी लगती है। चना खाना भी चाहिए, हेल्दी होता है। चना नहीं खाया तो क्या खाया? सही है। इसी बात पे, चने पे झाड़ पे ना चढ़ाते हुए। नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं, मुझे वैसे भी चढ़ाया नहीं जाता है, मेरी झूठी तारीफ भी नहीं की जाती है, तो मैं कहाँ से चने की झाड़ पे चढ़ूं? अभी भी नाराज असली तारीफ तो छोड़ो, है ना? अभी भी नाराज है। अब हम खाएंगे डिनर, करेंगे डिनर। घर में अदरक नहीं है तो आप इसे नीचे पटक सकती हैं। देखो दो प्लेट निकाल के ऑलरेडी रखी हुई है मैंने पटकने के। आज काफी हिंसक मूड में है। तो हम तो करेंगे डिनर, डिनर के बाद दूध जरूर पी के सोए, इसलिए दूध मैंने पहले बॉईल कर लिया ताकि वो थोड़ा रूम टेम्परेचर पे आ जाए, हल्दी डाल के। अब वो वीडियो ना देखी हो तो आई बटन में ये जरूर लिंक डाल देंगे, दूध के बेनिफिट सब कुछ शेयर किया था मैंने फीमेल्स के लिए, तो स्पेशली याद है दूध का रहस्य नाम था उस ब्लॉग का, तो आप जरूर देखिए और सारे रहस्य जानिए उसके। और लगता है चावल भी बन चुके हैं, सब्जी भी ऑलमोस्ट फुल रेडी हो चुकी है, हम कहते हैं डिनर, मिलते हैं अगली वीडियो में आप सबके साथ। बन चुका है तो सब्सक्राइब बटन पे क्या मारना है? हाथ मारना है रेड बटन पे, सब्सक्राइब सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जो घंटी है उसको दबाइए, भगवान का नाम लीजिए और दबा दीजिए घंटी को। हाँ। और जय श्री राम करके तन। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।